नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ रूही। चलिए शुरुआत करते हैं सुबह की ताजा हेडलाइंस के साथ। हरियाणा में भाजपा जसपा गठबंधन सरकार के 600 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों के लिए नई सौगातों का किया ऐलान। कोरोना वायरस से उबरने के लिए 1113 करोड़ से राहत पैकेज की करी घोषणा। टोक्यो ओलंपिक के लिए घोषित भारतीय महिला हॉकी टीम में हरियाणा की 9 बेटियों ने बनाई अपनी जगह। हरियाणा सरकार ने NCR सहित पूरे प्रदेश में अवैध रूप से बसी 1200 कॉलोनियों को करेगी नियमित। फर्जी RC बनवाकर पानीपत के एक कार सेल परचेजर डीलर को 3 ठगों ने मिलकर क्रेटा कार बेची, बदले में 10-10 लाख रुपए ऐंठे। एजेंसी में सर्विस कराने पहुंचा डीलर तो हुआ खुलासा, पुलिस ने मामला दर्ज कर गहनता से जांच की शुरू। CIET पुलिस ने जुआ खेलते हुए 5 युवकों को दांव पर लगे 75,000 के साथ किया गिरफ्तार। रोहतक बिजली निगम में तैनात एक एक्साइन की मौत के बदले में पहली पत्नी ने उसके मकान पर जड़ा ताला। दूसरी पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने पहली पत्नी, 2 बेटा बेटी और 3 अज्ञात के खिलाफ किया मामला दर्ज। वार्ड नंबर 20 के राधे विहार कॉलोनी में गैस पाइपलाइन बिछाने के चक्कर में गलत प्लानिंग से की गई नई सड़क की खुदाई। पाइपलाइन टूटने से शिविर का गंदा पानी मिक्स होकर पहुंच रहा लोगों के घरों तक, स्थानीय लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन। एक बार फिर वार्ड 10 में विकास कार्य की होने जा रही भरमार। 6,11,00,000 की लागत से 14 बड़े विकास कार्यों को मिली अनुमति। नई शिक्षा नीति में पढ़ाई को रुचिकर बनाने पर फोकस। स्कूलों में मनेगा रीडिंग डे, रीडिंग वीक, रीडिंग मंथ। शहरी और ग्रामीण विधानसभा में पायलट बेस्ड व 5-5 जगह बनाए जाएंगे रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। सुबह के ताजा अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।